कोतवाली पुलिस ने नाबालिग से अपहरण कर दुष्कर्म के आरोप में फरार चल रहे वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में प्रेसवार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को घंटा घर जामा मस्जिद के पास से गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान किरण प्रकाश पुत्र प्रकाश राजा राम निवासी राजू की दुकान शेषपुर थाना राजघाट जनपद गोरखपुर अस्थायी पता वस्तवड़े थाना ताशगांव जनपद शांगली महाराष्ट्र के रूप में हुई है। एसपी सिटी ने बताया कि अभियुक्त के विरुद्ध विवेचना जारी है, एनबीडब्ल्यू प्राप्त किया जा चुका है, फिर भी हाजिर नहीं हो रहा था, लगातार गिरफ्तारी से बच रहा था, जिसके ऊपर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा पूर्व में 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया जा चुका है, फिर भी लगातार फरार चल रहा था, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम को 25,000 का इनाम दिया जाता है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कोतवाली थाना प्रभारी कल्याण सिंह सागर, उपनिरीक्षक विनय कुमार सिंह, कांस्टेबल अनिल कुमार, अशोक कुमार शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, जो थाना कोतवाली ने एक 2 साल से फरार अभियुक्त 25,000 का इनामी किरण प्रकाश लोंडे पुत्र प्रकाश राजाराम लोंडे, ये राजघाट का रहने वाला है, लेकिन पिछले 2 सालों से कोतवाली पुलिस को अलग अलग राज्यों में ये छका रहा था। 5 बार इसके पकड़ने के प्रयास महाराष्ट्र एवं गुजरात में किए गए, लेकिन ये हाथ नहीं आया। इस बार कोतवाली पुलिस ने उसको महाराष्ट्र से इसको गिरफ्तार किया है। 25,000 का इनामी था, इसके खिलाफ 366, 366A, 376B एवं अन्य कई धाराओं में मुकदमे दर्ज थे, एवं इस अभियुक्त के गिरफ्तार होने पे 25,000 का इनाम कोतवाली पुलिस को दिया जाएगा।